हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ चलिए, मेरे भगवान जी के पूजा से स्टार्ट हो गया है मेरा ब्लॉग। शाम के बजे 6:30 और यहाँ पे मैं भगवान जी का पूजा अपने मंदिर जो था उसे सेट कर दी हूँ, जो आप लोग को दिखा रही हूँ। और भगवान जी मेरे यहाँ पे आ तो गए थे पर मेरे भगवान जी सेट नहीं हुए थे सही से, तो वही मैं मंदिर अब मंगवा ली हूँ। और उनकी जो जगह हो तो यहीं पे मैं भगवान जी के मंदिर को ऊपर टंगवा दी हूँ, क्योंकि नीचे मैं नहीं रखना चाहती। वहाँ से आना जाना बार बार लोग पानी वगैरह ऐसे है, बीच में है जो इनकी जगह है जहाँ पे होनी चाहिए वहीं पे वो हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर करवा दी हूँ। और यहाँ पे टांगने के लिए कोई मिस्त्री वर्कर नहीं, ये है ये अपना वो मशीन एक रखे हैं ड्रिल मशीन जिससे होता है छिदा, उसे करके कर देते हैं, तो उन्हीं से मैं करवा ली, इन्हीं से करवा लेती। तो यहाँ पे मैं फटाफट भगवान जी का पूजा कर रही हूँ, आप लोग भी इंजॉय करिए। वहाँ पर मम्मी जी बैठ के टी वी देख रही हूँ, वहाँ उधर बच्चे भी हैं और मैं यहाँ भगवान जी की पूजा में लग गई हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ मेरे भगवान जी की पूजा हो गई, जो मैं आरती दिखा रही हूँ। ऐसे तो दिख रहे हैं कि वो नहीं, दूसरा वाला राइट वाला हाथ नहीं है, लेफ्ट वाला हैंड है, तो ये समझ में आ रहा, बट ऐसी बात नहीं है। और मैं यहाँ पे कपड़े भी बदल दी नहीं थी, वैसे पूजा कपड़े क्या। तो यहाँ पे मम्मी जी मेरी देख रही थी ये क्या की हैं, वीडियो बना रही हैं कि पूजा कर रही हैं, वो समझ रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बस वो देख रही थी क्या कर रही है ये। तो मेरा पूजा हो चुका है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने किचन में आ गई हूँ। अब सब्जी वगैरह काटने का टाइम हो गया है तो मैं इसीलिए यहाँ पे आ गई हूँ। और ये देखिए मेरा फ्रिज जो खुला है, सारा सामान भरा पड़ा हुआ वो इसके सामान। यहाँ पे मैं अपने फ्रिज से आ गई हूँ सब्जी निकालने, और सब्जियाँ निकाल लेती हूँ। और मेरा क्लचर मेरी छोटी बेटी ले ली, इस समय मेरे पास बहुत तंगी आ गई है। तंगी किस चीज़ का आ गया? क्लचर वगैरह का। क्लचर ऐसे बाल में लगा कि मैं सोती हूँ तो वो टूट जाते हैं, तो मैं कंगाल हो चुकी हूँ। अब आज से हो सकता हो कल से दुकानें खुल जाएँ, तो जब दुकानें खुल जाएँगी तो हो सकता हो मैं क्या हुआ? किसको चाहिए? हमको। लो के पकड़िए, लेकिन मम्मी वो चालू क्यों है? तो गाइस यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ अपने किचन में और बैठ गई हूँ सब्जी काटने। और किचन मेरा खुला है इसलिए आप लोग को लगता होगा किचन कैसा है, तो हाँ मेरा किचन खुला हुआ मैं बनवाई हूँ, क्योंकि उस किचन से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, गर्मी होती थी, कंजेस्टेड था। तो खुला आजकल तो ये चला ही है खुला किचन रहना, तो वही मैं भी खुला ही किचन करवाई हूँ। तो यही, और मैं यही किचन में बैठ के नीचे सब्जियाँ काट रही हूँ, सब्जी काटने जा रही हूँ। मम्मी पूछ रही हैं क्या कर रही, वही मैं बता रही थी। और हमें हमेशा अपने आवाज़ को, वॉइस को यहाँ पे म्यूट करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं टीवी देखते रहते हैं, हल्ला चिल्ला खुल्ला मचाते रहते हैं अजीब तरीके से। तो यही था, तो मैं यहाँ बैठ के सब्ज़ी काट रही, तो मैं देख रही थी रिकॉर्डिंग हो रही है क्या, फिर मैं फटाफट सब्ज़ी काट रही हूँ, फिर मेरी छोटी बेटी बाद में लाती है मेरे लिए। जब मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ तो वो देखती है, तो मेरे लिए फ़ैन ला के लगा देती है, जो फ़ैन वो वाला है तो वहाँ पे लगा देती है, क्योंकि थोड़ा सा लगाने से ना इसमें गर्मी थोड़ी बढ़ गई है और काफ़ी ज़्यादा राहत भी मिलती है। और मेरे बाल आप लोग को मैं बता ही दी कि मैं कंगाल हो चुकी हूँ क्लचर मेरे टूट गए नहीं है। अब आज से मार्केट कुछ खुले हैं, लेकिन जाने में भी डर लग रहा है कोरोना वायरस वगैरह ये सब चक्कर में, तो देखते हैं सोशल डिस्टेंस बनाने के बाद जाना ही पड़ेगा, अगर देखते हैं कैसे क्या होता है। और सैनिटाइज़र लेके जाना होगा, जो भी छुए उसे सैनिटाइज कर ले, तो ये चीज़ें मैं कोशिश करूँगी। तो देखती हूँ कब जाती हूँ। यहाँ बाबू आके देख रहा है, बाबू मेरा दिन भर शरारती इधर से उधर करता रहेगा, और जो देखता है एक वीडियो बन रहा है तो बंद कर देता है। 7:30 होने जा रहा है और मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया था आज भगवान जी की पूजा से।
और मैं भगवान जी का पूजा करने जा रही थी, तो मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ वो लोग शेयर की हूँ। तो हाँ, मेरे भगवान जी अब तक अलमारी पे रख के किए जा रहे थे पूजा, जो मैं आप लोग को दिखाई थी, बट भगवान जी का मंदिर मेरे आ गया है। और मेरे भगवान जी का मंदिर मैं जहाँ सोची थी वहीं पर मैं सेलेक्ट उनको बैठा दी हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मंदिर, आप लोग तो देखे ही हैं पूजा के समय। तो यहाँ पर देखिए भगवान जी की देर, ये देखें यहाँ पे मेरे भगवान जी का जगह जो पूजा का होता है नॉर्मल, जैसे एक होता है ना पूरब और उत्तर के, हाँ उत्तर ही दक्षिण पूरब, पूरब उत्तर के कोने में होता है भगवान जी का जगह, जो वहीं पे मैं उनको की हूँ। तो ये देखिए इनका जहाँ पे होना चाहिए उनको वहीं पे मैं सकी हूँ, ये दीवार में ही मैं वो किले करवा के इन पे, जैसे मेरी वो है मंदिर जो भगवान जी का, ये टांगने वाला था, ऐसा नहीं था कि जिससे प्रॉब्लम हो सके कि हम टांग ना सके। तो वहाँ पे भी आप लोग देखे थे मेरे वहाँ वाले घर में भी तो ऐसे भगवान जी टंगे हुए थे, यहाँ पे भी है, बस वहाँ पे थोड़े ऊँचे हो गए थे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे कर दी हूँ क्योंकि थोड़ा सा साफ करने में प्रॉब्लम होती थी भगवान जी को नहलाने में, ऊँचे तो कंजेस्टेड जगह में उतारना करना कहीं प्रॉब्लम हो जाती थी। तो अब मेरे भगवान जी अच्छे से सेव हो चुके हैं, अलमारी से यहाँ आ चुके हैं, और मैं अब जस्ट चल रही हूँ, पूजा तो हो ही गया इधर, तो अब मैं चल रही हूँ किचन में। किचन में मैं थी ही बात कर रही थी, अब मैं चल रही हूँ खाना भोजन डिनर जो जो है सारी चीज़ें फाइनली अब करने बनाने। और सब्जी, मुझे दो सब्जियाँ बनानी हैं जो कि मेरे बोड़े देखिए काफ़ी ज़्यादा अधिक हो गए थे, अधिक ढेर सारे हैं, इस कारण मैं आलू इसमें बस एक ही पीस डालूंगी, ज़्यादा आलू नहीं डालूंगी क्योंकि उतना शाम को सब्जी बच्चे मेरे नहीं खाते हैं, और उन सबको मसाले वगैरह वाली सब्जी नहीं अच्छी, ज़्यादा करके अगर भिंडी की सब्ज़ी मैं बना देती हूँ भुजिया बहुत अच्छे सब खा लेते हैं। तो यहाँ करेला है, आलू करेला, जिसमें आलू खाएगा मेरा बाबू, करेला खाएँगे पापा। तो चलिए यही है सब्जी का काम, अब मैं चलती हूँ इसे कार्यक्रम में लगने। आप लोग सब्जी तो मैं धुल के रखती ही हूँ फ्रिज में, लेकिन जब काट लेती हूँ तो फिर एक बार छौंकने के लिए फिर मैं धुल देती हूँ, मन नहीं आता क्योंकि धुल के थोड़ा सा जैसे होता है ना एक आदत सी बन जाती है, तो वो काम करने। तो चलिए मैं सब्जी को पहले धुल लेती हूँ, फिर आप लोग भी देखते रहिए। यहाँ पे मैं मोबाइल यहीं पर एडजस्ट कर देती हूँ क्योंकि सब्जी एक कटोरे से कुछ ढक के रखा हुआ है। यहाँ पर ये मेरी सब्जियाँ हैं, यहाँ मैं अपने सब्जी को धुल रही हूँ। सामने मत रखे, यही होती है ईर्ष्या, जिसे कहते हैं ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो ये देखिए ये लाके बोल रहे हैं, मत पूछ लो मर सब्जी को धुल रही हूँ, लेकिन परेशान करने वाले बच्चे मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अब बाबू को इस समय लड्डू खाने का भी सवाल हो गया, इसलिए लड्डू से चाहिए। तो गाइस बाबू को लड्डू चाह रहा और जिद कर रहा है। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, मिलेगा।